बिल्कुल ही एक अनूठा खिलौना है, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब मैंने भी इसको 6 महीने पहले देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। देखते हैं क्या है भाई। ये एक लोहे का रिंग है और यहाँ पर एक छोटा सा वेल्डिंग का टांका लगा है जिससे कि ये रिंग बन जाए, और इसके अंदर जो साइकिल में नट लगते हैं ये साइकिल के नट हैं, और 4 नट पड़े हैं। अब इन 4 नटों को सबसे पहले मैं अपने अंगूठे से एक तेज़ी से झटका देता हूँ, एक चाल दूंगा। अभी देखिए ये नट घूम रहे हैं और ये घूमते रहेंगे, और ये बहुत सुंदर आवाज़ भी करते हैं, जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही हो उस तरह की आवाज़ भी करते हैं। और इनको जब तक मैं चलाता रहूँगा इस रिंग को, तब तक ये नट घूमते रहेंगे। एक बार इसको फिर और चला के देखते हैं। ये 4 नट हैं, इनको अपने अंगूठे से लेके ये एक बहुत ही मज़ेदार खिलौना है। इसमें लोहे का रिंग है और जिसके अंदर ये नट तेज़ी से घूम रहे हैं। जब तक आप इस रिंग को चलाते रहेंगे ये नट भी इस तरह से निरंतर घूमते रहें। इतना ज़रूर है कि जैसे इसमें मैं इसको चला रहा हूँ तो मैं इसको एक ऊंचाई दे रहा हूँ, ऊर्जा इसको मेरे से ही मिल रही है। और क्योंकि इस एक बार इनको मैंने गोल झटके से घुमाया है, इस कारण ये लगातार इस तरह से घूमते रहते हैं। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि कक्षा के सारे बच्चे एक गोले में खड़े हों और आपके पास ऐसा खिलौना हो, और एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा, पूरी कक्षा के बच्चे इसका आनंद लें, कितना सुखदायी वो विज्ञान का पीरियड होगा। अब इसको हम बनाने की तरकीब देखते हैं, शुरू से किस तरह से बनाया है इसे। अब इसके लिए हमको 2-3 सामान लगेंगे। ये इस तरह के एल्युमिनियम के गोले कई कढ़ाई की दुकान पे मिलते हैं, कई बार किसी हैंगर का गोला बनाने के लिए, किसी का हैंडल बनाने के लिए ये बने बनाए भी मिलते हैं, नहीं तो तार का एक गोला बनाना करीब 10-12 इंच का व्यास का, वो भी आसान है। अब और इसके अंदर ये जो हैं ये साइकिल के नट हैं। साइकिल के ब्रेक देखे होंगे तो ब्रेक के अंदर इस तरह के चूड़ी वाले नट होते हैं। अब मैं देखिए इसमें से 4 नट इस तार के अंदर पिरो देता हूँ और इनके दोनों सिरों को पास ला करके, और एक छोटा सा टेप का टुकड़ा, ये मेरे पास स्टिकी टेप है, गोंद लगा टेप है। अब इन दोनों इस पहले मैंने एक को थोड़ा सा लगाया और फिर इसके सिरे को मैं इसके बिल्कुल पास ले आया, और उसके बाद में मैंने दूसरे को भी इस पर इस तरह से टेप को कस के बांध दिया, और फिर उसको उंगली और अंगूठे से दबा करके एकदम समतल कर दिया। अब इस खिलौने को भी उसी तरह से अगर अंगूठे से चारों नटों को थोड़ी चाल देंगे तो चारों नट घूमेंगे। इस बार देखिए चारों के चारों नट इसके अंदर तेजी से घूम रहे हैं। कई बार हमने देखा कि जब टेप आता है तो टेप एक तरह का एक व्यवधान का, एक रुकावट का काम करता है, और उससे ये नट घूमना बंद हो जाते हैं। ये पहिया जैसा है, जब तक इसको घुमाते जाएंगे तब तक ये चारों नट इसी तरह से गोल गोल घूमते हुए गिरते रहेंगे। देखिए जैसे ये तल के पास आते हैं इनकी गति धीमी हो जाती है, जब इनको तेज़ी से ऊपर लेके आते हैं तो आप देखिए इनकी रफ्तार भी तेज़ होती है, जब नीचे आते हैं तो इनकी गति देखिए धीमी हो जाती है। अब ये रुक भी गए, एक बार फिर देखते हैं इनको चला करके, इन चारों को कस के अपने अंगूठे से एक बार चाल देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि सब बच्चे एक गोले में खड़े हों और एक रिंग हो, और एक साथी अपने दूसरे साथी को रिंग दे, दूसरा तीसरे साथी को दे, तो पूरी कक्षा के अंदर एक मज़े की, एक आनंद की लहर छा जाएगी।